हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन की बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज जिसमें हमने प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज पढ़ा था एनिमल टिश्यूज के टाइप्स में अब हमारा जो कॉन्टीन्यूएशन में है दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के भी हमने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने एरियोलर कनेक्ट एरियोलर टिश्यू एडिपोस टिश्यू हम स्टडी कर चुके हैं नाउ दिस टाइम टू स्टडी अबाउट द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू राइट देखते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं स्केलेटल टिश्यू के टाइप्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बोन्स एंड कार्टिलेज बोन्स का नाम आपने सुना होगा कि हमारा जितना भी स्केलेटन सिस्टम जो हमारा बॉडी फ्रेमवर्क है वो बोन्स से मिलकर बना होता है व्हाट इज कार्टिलेज कार्टिलेज ये टर्म आपके लिए न्यू हो सकता है तो लेट्स स्टार्ट विथ कार्टिलेज 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 की देख लेते हैं सेल्स का क्या स्ट्रक्चर है इट इज अ वाइडली आउट सेल मींस जो इसकी सेल्स हैं उनके बीच में काफी स्पेस होता है दूर दूर उनकी सेल्स बनी हुई होती हैं राइट right? प्रेजेंट इन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर जो इसका मैट्रिक्स है वो किस किन दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है प्रोटीन्स एंड शुगर ठीक है कनेक्टिव टिश्यू का मीन्स हमने बताया था ना डिस्कस किया था पहले भी कि जो इसका फंक्शन है डिपेंड्स ऑन द मैट्रिक्स मैट्रिक्स में भी जेली लाइक -like हो सकता है हार्ड हो सकता है इलास्टिक हो सकता है ठीक है तो जैसा भी मैट्रिक्स का जो भी जिस तरह का ग्राउंड सब्सटेंस होगा वही फंक्शन जो है कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म करेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स टिश्यू की बात हम कर रहे हैं ये जो मेन टू इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है दैट इज़ अ प्रोटीन एंड शुगर मैट्रिक्स इज सॉलिड यहाँ पे बात हो रही है इसका जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड होता है बट चीज़ लाइक चीज लाइक मीन्स लिटिल बट इलास्टिसिटी उसके अंदर है राइट स्लाइटली इलास्टिक इन नेचर है ना सॉलिड तो है लेकिन इलास्टिक की तरह है चीज़ लाइक -like है कहीं कुछ एक लिमिट तक उसको बेंड किया जा सकता है खींचा जा सकता है ठीक है तो कार्टिलेज के ये सेल्स के फीचर्स थे कि वाइडली स्पेस्ड आउट सेल मीन सेल्स में स्पेस होता है दूर दूर होती हैं मैट्रिक्स सॉलिड होता है चीज़ लाइक होता है स्लाइटली लास्टिक इन नेचर एंड मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ मेन टू कॉम्पोनेंट्स प्रोटीन एंड शुगर ये देखिए इस तरीके से ये बोन्स के बीच में जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जो आपको ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाया गया दैट इज़ अ कार्टिलेज है ना कार्टिलेज जो है वो दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है क्योंकि बोन्स हमारी बहुत हार्ड होती हैं उनको स्मूथ रखने के लिए किसी भी चीज़ की जो उसको एक फ्लेक्सीबिलिटी थोड़ी सी करे कि बोन्स जो हैं अगर दो बोन्स आपस में जॉइंट हो रही हैं तो वो कुछ हद तक बेंड हो सके है ना हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स की जो बोन्स हैं वो बेंड हो सकती हैं उन्हें हम मोड़ सकते हैं बट नॉट ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी ठीक है तो जहाँ जहाँ पे बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है वहाँ जो है बोन्स में थोड़ी इलास्टिसिटी आ जाती है अंडरस्टैंड नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ प्रेजेंट होती है इनकी अकुरंस कहाँ है कार्टिलेज की इट इज़ लोकेटेड इन ईयर पिन्ना ईयर पिन्ना नो स्टेप एपिग्लॉटिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क ट्रैकिया एंड लेरिंग्स मीन्स ये इलास्टिक इन नेचर की जब हम बात करें तो ये उन पार्ट्स में प्रेजेंट हैं जहाँ पर हम थोड़ा सा इनको बेंड कर सकते हैं टर्न कर सकते हैं बट लिमिटेड uh, है ना कुछ लिमिटेशन में हम उसको उस पार्ट्स को बॉडी को जो है टर्न कर सकते हैं जैसे हम अपने कान को पकड़ें है ना और उसको थोड़ा सा जो है हम उसको टर्न कर सकते हैं बेंड कर सकते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पे जो बोन्स है बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है एंड कार्टिलेज वो सपोर्ट, वो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हम थोड़ा सा जो है उसको घुमा सकते हैं क्योंकि उसकी वहाँ पे कार्टिलेज की वजह से इलास्टिसिटी आ गई है राइट हमारी नोज़ की टिप को भी हम थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं जब हम प्रेस करते हैं तो देखते हैं ना थोड़ा सा हम उसको राइट साइड लेफ्ट साइड या बीच में मिडिल में प्रेस कर सकते हैं तो नोज़ टिप पर भी हमारे जो है वहाँ की बोन्स में कार्टिलेज प्रेजेंट है सेम इज़ द केस विद एपिग्लॉटिस एंड लेरिंग्स है ना तो जहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं उन बोन्स के बीच में वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट एंड कार्टिलेज इस प्रेजेंट बिटवीन द बिटवीन द टू बोन्स राइट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स है ना जैसे कि मैंने बताया ना कि जिस भी बॉडी ऑर्गन में प्रेजेंट हैं वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ दअ इलास्टिक नेचर है ना इलास्टिक नेचर किसकी वजह से है उनके मैट्रिक्स की वजह से मैट्रिक्स सॉलिड है बट अट चीज़ लाइक है वी कैन स्ट्रेच इट थोड़ा सा हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं घुमा सकते हैं मोड़ सकते हैं राइट इट स्मूद बोन सर्फेस एट जॉइंट्स ये भी हम ने बताया कि दो बोन्स के बीच में जहां पे बोन्स का ज्वाइंट है वहां पे कार्टिलेज जब प्रेजेंट होता है तो स्मूथनेस आ जाती है ठीक है जिसकी वजह से हम उस पार्ट को झुका सकते हैं झुक सकते हैं या बेंड हो सकते हैं ठीक है दैट इज बिकॉज ऑफ कार्टिलेज है ना कार्टिलेज के दो मेन फंक्शन कौन थे कौन से थे सपोर्ट्स एंड फ्लैक्सिबल टी है ना बॉडी पार्ट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है सपोर्ट करता है और जो बोन के जॉइंट्स हैं उनके सरफेस को ये स्मूदन करता है और सेल कैसी होती हैं वाइडली स्पेस्ड आउट सेल होती हैं हार्ड मैट्रिक्स होता है दो मेन कॉम्पोनेंट

करेंस है क्या नेचर है उसका राइट नाउ टॉक अबाउट बोन बोन जैसे पता चल रहा है क्योंकि हमारा बॉडी पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बना है बोन से है ना एक हमें फ्रेमवर्क दे रहा है हमारा बॉडी शेप दे रहा है तो ऑब्वियसली बोन्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है तो सबसे फर्स्ट फीचर इसका देखिए यहाँ पे यही दिया गया है बोन्स आर वेरी स्ट्रांग ओके अगर ये स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारा स्केलेटल सिस्टम नहीं बनेगा हमें एक जो है सपोर्ट नहीं मिलेगा है ना जो हमारी मूवमेंट हो रहा है जो लोकोमोशन हो रहा है सारी चीज़ें एक जो बोन्स का स्ट्रक्चर है जिस तरह से वो बॉडी में अरेंज है जिस तरह से अरेंज होकर स्केलेटल सिस्टम बनाया है जस्ट बिकॉज ऑफ बोन्स और बोन्स का बहुत हार्ड और स्ट्रांग होना ज़रूरी है अंडरस्टैंड तो इनका नेचर है इट्स वेरी स्ट्रांग नॉन फ्लैक्सीबल नॉन फ्लेक्सिबल की हमने बात की थी हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबकी बोन्स जो हैं उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कुछ ही पार्ट्स के बोन्स में जो दो बोन्स के बीच में जब जॉइंट्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है कार्टिलेज की प्रेजेंस की वजह से ही वहाँ पर फ्लेक्सीबिलिटी आती है राइट जहाँ पर दो बोन्स आपस में जॉइंट हो रही होंगे बेसिकली बोन्स का क्या नेचर इट इज़ नॉन फ्लेक्सीबल हार्ड एंड रजेट हार्ड है इसकी बोन बोन्स का हार्ड होती हैं रिजिड होती हैं हम उसे जो है इलास्टिक की तरह मोड़ नहीं सकते घुमा नहीं सकते है ना राइट right? तो बोन सेल्स और ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स को हम ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट भी टर्म देते हैं और ये कहाँ एम्बेडेड होती हैं दीज आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स मीन्स इसका जो मैट्रिक्स है वो बहुत हार्ड होता है दैट इज़ वाई बोन्स जो है वो हार्ड इन नेचर होती हैं है ना हमने डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है वो दो तीन तरह का हो सकता है डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है जली लाइक -like हो सकता है सॉफ्ट हो सकता है स्मूद हो सकता है हार्ड uh, हो सकता है तो बोन्स का क्या था हार्ड मैट्रिक्स था कार्टिलेज का भी मैट्रिक्स हार्ड था बट उसका नेचर जो था वो कुछ चीज लाइक स्ट्रक्चर कुछ इलास्टिसिटी होती है बट बोन्स में ऐसा नहीं है बोन्स का जो मैट्रिक्स है बहुत हार्ड और रिजिड होता है जिसकी वजह से हमारी बोन्स बहुत जी हैं हार्ड मटेरियल जिसमें हम कहते ना हड्डी टूटनी नहीं चाहिए है ना तो वो किस लिए किसकी वजह से उसमें वो रिजिडिटी है बिकॉज ऑफ इट मैट्रिक्स अंडरस्टैंड मैट्रिक्स कम्पोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड और जो मैट्रिक्स में जो दो मेन कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड जबकि का्टिल से हम कंपेयर करें तो उसके दो मैट्रिक्स के जो कॉम्पोनेंट थे दैट वॉज प्रोटीन एंड शुगर जिसकी वजह से उसमें इलास्टिसिटी आ रही थी बट यहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड होने से मैट्रिक्स बहुत हार्ड हो जाता है ना तभी जैसे हम देखिए बच्चों को बचपन से ही कहते हैं ना दूध पियो दूध में कैल्शियम है फॉस्फोरस है ऐसी चीज़ें खाओ मेक योर बोन स्ट्रांग है ना बोन होगी तो जो है पावरफुल बनोगे तो ये सारी चीज़ें जो हम गाइडेंस जो सजेशन बच्चों को देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि कैल्शियम लो फॉस्फोरस लो दूध खाओ ये सारे फ्रूट्स खाओ ऐसे चीज़ें लो जिसमें कैल्शियम फॉसफोरोस टू मेक योर बोन्स स्ट्रांगर है ना तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्यों क्योंकि उसके मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉसफोरोस होता है जो जितना कैल्शियम और फॉस्फोरस का इनटेक होगा उतना ही ज़्यादा मैट्रिक्स जो है वो हार्ड एंड स्ट्रांग होगा और बोन्स हमारी स्ट्रांग बनेंगी राइट right? तो दैट वॉज अबाउट द bold बोन के फंक्शंस देख लेते हैं हमें पता है अभी बोन्स ने हमारा पूरा स्केलेटन बनाया हुआ है स्केलेटल सिस्टम किससे बना हुआ है बोन्स से ही है ना पूरा बॉडी उसके ऊपर देन मसल्स है ये सारी चीज़ें हमने मस्कुलर टिश्यू में भी पढ़ा था मसल टू बोन है ना तो ये सारी चीज़ें जो थी हम शुरू से ही बोन्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे शरीर में क्या है हम हड्डियों का ढांचा है ऐसे बोलते हैं ना तो जितना पतला इंसान होता है कहते हैं हड्डियों का ढांचा मीन्स उससे सा है वो तो ये सारी चीज़ें बहुत फेमीलियर है ये टर्म बोन जो है हमारे लिए बहुत फेमीलियर है अब इसके फंक्शन देख लेते हैं बोन फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क है ना जैसे बताया कि स्केलेटन बनाता है बॉडी का फ्रेमवर्क पूरा किसने डिज़ाइन किया है किसकी वजह से बोन्स की वजह से बना हुआ है देन इट सपोर्ट्स द बॉडी बॉडी को सपोर्ट देता है बोन्स को जो है इतनी हार्ड होती हैं नॉन फ्लैक्सीबल होती हैं तभी तो बॉडी को सपोर्ट देती हैं तभी तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो है मूवमेंट कर सकते हैं है ना क्योंकि बोन्स बहुत रिजिड एंड हार्ड इन नेचर होती हैं देन इट प्रोवाइड शेप टू द बॉडी जितना भी हमारा बॉडी पार्ट्स है हाथ की बोन्स जो है आर्म्स की कुछ है शोल्डर की कुछ है रिस्ट की कुछ है तो पूरी बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे रखा है फिंगर की बोन्स हैं वो पतली हैं है ना रिस्ट की उससे मोटी हैं देन वी टॉक अबाउट शोल्डर तो पूरी बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे रखा है बोन्स ने अंडरस्टैंड इट प्रोटेक्ट्स वाइटल बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन लंग्स एटसेट्रा इसके अलावा जो हमारे वाइटल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ब्रेन है, है लंग्स हैं उनका भी जो आउटर कवरिंग होती है ना वो भी सब बोनी होता है क्योंकि ब्रेन बहुत जो है डेलीकेट पार्ट है लंग्स बहुत डेलिकेट पार्ट्स है तो जिनकी कवरिंग है वो बोन्स की बनी होती है तो इसलिए बोन्स का हार्ड एंड रिजिड होना मस्ट है नॉन फ्लेक्सिबल होना क्योंकि एक तरह से हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं ब्रेन एंड लंग्स उनको प्रोटेक्शन देता है प्रोवाइड करता है उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी कि एक केज की तरह बोनी स्ट्रक्चर के अंदर वो जो है सेफ रहे प्रोटेक्ट रहे राइट सो दैट दीस आर द फंक्शंस ऑफ बोन्स बोन्स का पहला क्या था इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क सपोर्ट्स द बॉडी प्रोवाइड शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन अंडरस्टैंड नाउ ये देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है ये देखिए इस तरीके से ये माइक्रोस्कोपिक uh, स्ट्रक्चर जिसमें बोन सेल या फिर ऑस्टियोसाइट्स हम जिनको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट ये दिखाई दे रही है हमारी बोन सेल्स हैं सारी ये ब्लैक ब्लैक से आपको जिस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दीज आर बोन सेल्स विच आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स है ना इसका मैट्रिक्स हार्ड होता है और किसका बना होता है कैल्शियम एंड फोसफोरस का जिसकी वजह से जो है ये क्या होता है हार्ड हो जाता है इसका मैट्रिक्स ठीक है ये इसकी कंसेंट्रेटिंग लेमलीज हैं ये सारी चीजें जो हैं ये ब्लड सप्लाई करती हैं ठीक है थीके? तो दिस दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज अभी हमने जितना पढ़ा है उससे क्लियर हो गया होगा बट एक टैबुलर फॉर्म में हम इसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं बोन्स का देख लेते हैं बोन कैन नॉट बी बेंट और स्ट्रेच वाई बोन को बेंट नहीं कर सकते स्ट्रेच नहीं कर सकते क्यूं? क्यों क्यों बिकॉज जिस hard, जो इसका मैट्रिक्स है दैट इज कम्पोज ऑफ टू टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस द विच मेक्स द मैट्रिक्स हार्ड है ना जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं इसके कैल्शियम एंड फॉस्फोरस उसकी वजह से मैट्रिक्स बॉडी हार्ड हो जाता है और हार्ड होने से बोन्स रिजिड होती हैं बाई दिस जिसकी वजह से ये वी कैन नॉट बी बेंट और स्ट्रेच द बोन्स राइट बात कर लेते हैं कार्टिलेज की कार्टिलेज कैन नॉट बी कैन बी फोल्ड एंड ईजिली एट सर्टेन पार्ट्स कुछ लिमिट तक कार्टिलेज को फोल्ड किया जा सकता है बेंड किया जा सकता है बट ओनली एट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहाँ पर जहाँ पे टू बोइंस टू बोन्स का जॉइंट आ रहा है ना जहाँ पर वो कार्टिलेज प्रेजेंट हो गए उसको वो फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वी कैन बेंट और फोल्ड हम झुक सकते हैं या फिर उस बॉडी के पार्ट्स को हम मोड़ सकते हैं क्लियर देन सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं बोन इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ये क्वेश्चन आ सकता है नंबर मार्क के उसमें कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है दैट इज आवर बोन देन कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट एंड फ्लैक्सिबल टिश्यू क्यों क्योंकि उसका मैट्रिक्स जो होता है वो चीज लाइक -like होता है इलास्टिसिटी नेचर हो जाता है जिसकी वजह से कार्टिलेज एक सॉफ्ट और फ्लैक्सीबल टिश्यू हो जाता है बोन की बात कर लेते हैं दिस में ब्रेक एंड रिजल्ट इन अ फ्रैक्चर बोन बहुत हार्ड होती है ना अगर जरा सा भी जक्स लगता है या एक्सीडेंट होता है अगर हर पार्ट में तो कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट है बोन्स दो बोन्स के बीच में लेकिन वो इतनी रिजिड होती हैं कि आपस में इजीली टकरा के टूट सकती हैं जिससे फ्रैक्चर जैसे जो है इंसिडेंट होते रहते हैं बहुत ही टर्म हमने सुना होगा कि हड्डियों का टूटना है ना फ्रैक्चर हो जाना ठीक है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उसका हार्ड नेचर नॉन फ्लेक्सीबिलिटी वाला जो नेचर है वो बोन्स को कभी कभी जो है ब्रेक कर सकता है राइट कार्टिलेज डज नॉट ब्रेक कार्टिलेज कार्टिलेज नहीं नहीं टूट सकती क्यों सॉफ्ट होती इलास्टिक की नेचर होती है फ्लैक्सिबल होती, होती है और सर्टेन लिमिट तक हम इसको बेंट और फोल्ड कर सकते हैं देन लास्ट पॉइंट इज बोन इज अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है ना हमने बताया था ना इसका जो मैट्रिक्स है वो दो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स से मिलकर बना होता है दैट इज़ अ कैल्शियम एंड फॉसफोर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आप इसको इसका चाहे तो स्क्रीन ले सकते हैं और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि जितने भी क्वेश्चन में आपको ये जितने भी शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आपको ईजिल आप समराइज कर सकते हो और इसको आपको टिप्स पे ये सारी चीज़ें लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा अंडरस्टैंड तो बोन इज अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड कार्टिलेज इज अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन सॉल्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स हमने प्रोटीन और शुगर की बात की थी जिससे कार्टिलेज का मैटर्स जो है वो कंपोज होता है तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बोन एंड कार्टिलेज है ना हमने उनके डिफरेंसेस देखे उनका सेल स्ट्रक्चर देखा अकरेंस देखी फंक्शंस देखा आप चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पूरी नोट्स uh, भी मिल जाएंगे राइट इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग